भाई एक और डिब्बा आ चुका है अपने पास अनबॉक्स होने के लिए। इस डिब्बे के अंदर बंद है एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल आरसी कार। इंडिया में तो ये कार मिल ही नहीं रही थी यार, इसको मैंने यूएसए से मंगवाया है। टॉप स्पीड जा सकती है 70 किलोमीटर पर आवर तक। इसका मॉडल नंबर है FY03H। इसकी फाइट आज मैं कराने वाला हूँ दो बड़ी कमाल की आरसी कार्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये W12427 और एक अपनी दूसरी वाली कमाल की कार है, ये है स्पाइडरमैन 4x4 आरसी कार। चलो गाइस फटाफट से इस बॉक्स को करते हैं ओपन और कराते हैं इसकी टेस्टिंग इन दोनों आरसी कार्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। ये बहुत ही कम प्राइस में भी मिल रही थी इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। इधर तुम लोगों को एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी amazon.com का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। पर थोड़े से चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे यार, क्योंकि इसको अपन ने मंगवाया है दूसरी कंट्री से। बॉक्स को फटाफट से ओपन कर दिया है मैंने, यहां पर देख सकते हो इसके साथ मेरे को ओरिजिनल बॉक्स इन लोगों ने नहीं दिया हुआ है गाइस। यहां पर है का रिमोट कंट्रोलर। मैं अगर दोनों हाथों से भी रिमोट को पकड़ू ना यार, फिर भी देखो पकड़ सकता हूं। इतना ज्यादा बड़े साइज का रिमोट कंट्रोलर इसके साथ अपने को मिल जाता है। क्वालिटी नो डाउट एक नंबर क्वालिटी है इस रिमोट की। यहां पर है गाइस अपनी कार और देखो यार इसके अंदर कुछ है नहीं, इसको मैं रख देता हूं साइड में। तो कार के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर मिलती है इसकी बैटरी। देखो गाइस ये रही इसकी बैटरी। यार इन लोगों ने चार्जर कहाँ पे रखा है? अच्छा बॉक्स के अंदर ही चार्जर पड़ा हुआ है। बैटरी जो अपने को मिली है 7.4 वोल्ट 1600 mAh की बैटरी दी गई है। ये देखो यार ये जो कार है ना थोड़ी बहुत देखने में डब्ल्यू टॉयज की 12427 की तरह ही दिखाई देती है। ये जो ऊपर का पार्ट है पूरा का पूरा मेटल का बनाया हुआ है। सामने लाइट्स है पर इसके अंदर लाइट्स ही नहीं दी गई है, डिजाइन ऐसा इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर एक ड्राइवर है यार, डब्ल्यू टॉयज आरसी कार में भी बिल्कुल इसी तरह का एक ड्राइवर मिल जाता है। यहाँ पर भी दो शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। इसके शॉक एब्जॉर्बर्स इतने ज्यादा कमाल के, देख रहे हो मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो कार कितनी ज्यादा नीचे तक प्रेस हो रही है। पीछे एक एक्स्ट्रा व्हील मिल जाता है और ये देखो यार प्लास्टिक का है नहीं, पूरी तरीके से रबर का व्हील दे रखा है। अगर ये व्हील कुछ खराब हो जाए तो ये व्हील भी अपन यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जो कार है पूरी तरीके से 4x4 है, दिखने में बड़ी कमाल की दिख रही है यार। यहाँ पर ये लोग लाइट्स वगैरह दे देते ना भाई मेरे को तो मजा ही आ जाता। रिमोट के ऊपर भी देखो यार यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग दे रखी है इसके स्टीयरिंग के ऊपर। यहाँ पर दो नॉब्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। ये आ गया दोस्तों स्पाइडरमैन का डिब्बा। ये बड़ी कमाल की कार मेरे को लगती है यार। मेरे पास बैटमैन की भी कार है, आपको पता होगा। स्पाइडरमैन वाली कार के साथ आज अपन अपनी FY03H कार की फाइट कराएंगे। तो कार को मैंने यहां से निकाल लिया है, ये देखो यार एकदम तगड़ी वाली स्पाइडरमैन कार आ चुकी है अपनी। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये जो ऊपर का शेल है ना यार बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर अपने को कोई भी शॉक एब्जॉर्बर मिलता नहीं है। इसके व्हील्स देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। व्हील्स की क्वालिटी उतनी खास है नहीं गाइस। देखो मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हील जो है दब ही नहीं रहा है भाई साहब। इतना ज्यादा हार्ड व्हील इसके अंदर दे रखा है, काफी ज्यादा कमाल का है, काफी ज्यादा ओपी नजर आ जाता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन बोल के लिखा है। नीचे देखो यार इसकी जो बैटरी है इसी के अंदर आ जाती है। बैटरी अपन बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते, यहीं से ही अपने को जो है इसे चार्ज करना पड़ता है। इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर है नहीं, फिर भी देखो यार ये जो कार है ना शॉक एब्जॉर्बर जैसे ही बिहेव करती है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, ये एक बूस्टर का बटन भी मिल जाता है। बूस्टर का बटन अपन जैसे ही दबाते हैं ये जो कार है सेकंड गियर में शिफ्ट हो जाती है और इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। तो यहां पर देखो यार तीनों कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख लिया है। नो डाउट स्पाइडरमैन कार जो है इन दोनों से काफी ज्यादा बड़े साइज की है। दोनों देखो यार काफी ज्यादा सिमिलर नजर आ जाती है सामने की तरफ से। अगर आप देखो तो सिर्फ कलर का फर्क मेरे को ऐसा लग रहा है और दोनों के अंदर लाइट्स का भी फर्क है। सामने इसके अंदर हेडलाइट्स दी गई है प्रॉपर तरीके से। पता नहीं यार इन लोगों ने हेडलाइट्स उखाड़ दी है या फिर इसके अंदर दी नहीं गई है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, जैसे कि सामने का व्हील पीछे का व्हील देख सकते हो। पीछे का व्हील मैंने बड़े साइज का लगा रखा है इसके अंदर, सामने का व्हील डिफॉल्ट व्हील ही रखा है मैंने। यहाँ पे सामने के व्हील्स में तो कोई अंतर है नहीं, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आ जाएंगे। पीछे के व्हील में देखो यार कितना ज्यादा डिफरेंस है। पीछे के व्हील्स जो है मैंने इसके ऑफ रोड के हिसाब से अपडेट कर दिए हैं। चलो गाइस चलते हैं बाहर फटाफट से, आज बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले FY03H को टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसके ब्रेक्स किस तरह से लगते हैं और कार का जो कंट्रोलिंग है किस तरह से दिया गया है। ब्रेक लगा के देखते हैं। ब्रेक्स तो भाई बिल्कुल खराब मेरे को लग रहे हैं इसके। कंट्रोलिंग भी देख लेते हैं, स्लोली स्लोली टर्न करा रहा हूं, काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ओ भाई ज्यादा तेजी से टर्न कराने पर देखो यार कार इस तरह से पलट रही है। ओ अच्छा इसके अंदर ये एक फीचर अपने को मिल जाते हैं, देख सकते हो ये साइड फ्लिप भी मार सकती है। ये चीज इसके अंदर मेरे को यूनिक लग रही है गाइस। ओके अभी W12427 को भी टेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोलिंग के मामले में इस कार
कार के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है गाइस, इतनी मस्त कंट्रोलिंग है इस कार की। जब से मैंने पीछे के व्हील चेंज किए इसके ब्रेक्स प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहे, पैर तो और भी खराब लगते थे। इस कार की वजह से मेरा एक बार पैर भी टूट चुका है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट भी हुआ था गाइस मेरा, आपको पता ही होगा। जब से मैंने टायर चेंज किए देखो यार ये एक अलग तरीके का स्टंट भी मार रही है अपनी डब्ल्यू टॉयज 12427। इस कार की कंट्रोलिंग ठीक ठाक है पर इसको टर्न कराने के लिए देखो यार बहुत ही बड़ा एरिया चाहिए, आप इसे इंडोर में बिल्कुल भी टच नहीं कर पाओगे गाइस। अभी इन दोनों आरसी कार्स के बीच में रेस कराते हैं, देखते हैं गाइस कौन जीतता है। यहाँ पे देख सकते हो स्पाइडरमैन आरसी कार को मैंने एकदम बूस्टर ऑन करके ही चला दिया था, इसीलिए थोड़ा सा आगे निकल चुकी है। स्पाइडरमैन आरसी कार अभी भी आगे चल रही है, यहाँ पे देख सकते हो पीछे आ रही है डब्ल्यूएल टॉयज ने इसको धक्का मार के किनारे कर दिया गाइस, बड़ी जोरदार टक्कर की एक और बार। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही कार्स यहाँ पे रुक चुकी है, एक और बार दोनों के बीच में रेस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी कौन जीत पाता है यहाँ पर। डब्ल्यूएल टॉयज के अंदर मैंने जैसे ही फुल पावर दी है कार देखो और एकदम रॉकेट की तरह निकल चुकी है और स्पाइडरमैन आरसी कार बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी है। व्हील चेंज करने के कारण इसकी स्पीड भी जो है 70 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है गाइस, बड़ी कमाल की है डब्ल्यूएल टॉयज। चलो दोस्तों अभी रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं अभी कौन जीत पाता है। दोनों के अंदर काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है, डब्ल्यूएल टॉयज वापस से आगे निकल चुकी है अपनी FY03H आरसी कार इस रेस को हार चुकी है यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस। ओके गाइस अभी अपन ऑफ रोड में आ चुके हैं, स्पाइडरमैन आरसी कार को मैं पत्थरों पर से चला के दिखा देता हूँ। ये कार के व्हील जो है ना थोड़े से हार्ड होने के कारण कार को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है यार बड़े बड़े पत्थरों पर से चलने के मामले में, जैसे कि देख सकते हो प्रॉपर तरीके से इसको पत्थरों पर से ग्रिप नहीं मिल पाती है, पर ठीक ठाक तरीके से ये ऑफ रोड में परफॉर्म कर लेती है। सेम टेस्ट करेंगे डब्ल्यूएल टॉयज 12427 के साथ, यहाँ पे देख सकते हो इस कार के सस्पेंशन अच्छे होने के कारण और व्हील्स के ऊपर ग्रिप बढ़िया होने के कारण और मैंने पीछे का व्हील भी चेंज करने के कारण कार जो है पत्थरों पर से बड़ी स्मूथ तरीके से चल रही है। इसके सामने स्पाइडरमैन आरसी कार कुछ भी नहीं है गाइस। अभी इन दोनों कार्स के बीच में पुश बैक कराते हैं गाइस, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। डब्ल्यूएल टॉयज ने तो टक्कर काफी ज्यादा जोरदार मारी है, स्पाइडरमैन पूरी तरीके से हिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो यार स्पाइडरमैन आरसी कार भी कुछ कम नहीं है यार, डब्ल्यूएल टॉयज को ये पीछे ढकलने की कोशिश कर रही है और पूरी तरीके से डटी हुई है। अभी देखो यार यहाँ पे डब्ल्यूएल टॉयज को आ चुका है गुस्सा, इसने उठा लिया है इसके ऊपर, इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है पर इससे ये हो नहीं पा रहा है। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है यार, मेरे को तो लगा था कि स्पाइडरमैन बड़ी आसानी से हार जाएगी। अभी कराते हैं दोनों के बीच में अल्टीमेट टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस अभी कौन जीतता है, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। स्पाइडरमैन आरसी कार यहाँ पे पूरी तरीके से व्हीली मारने की कोशिश कर रही थी पर डब्ल्यूएल टॉयज इसे कई ज्यादा पावरफुल निकली, देखो और काफी आसानी से इसको घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पे भाई सामने गोबर है, कहीं गोबर में ना इसको फेंक दे, ओ माई गॉड बच गई यार स्पाइडरमैन आरसी कार और इसको घसीट के लेके जा रही है काफी आसानी से। यहाँ पे डब्ल्यूएल टॉयज जीत चुकी है, डब्ल्यूएल टॉयज की टक्कर की कार, दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं। ओ भाई FY03H ने डब्ल्यूएल टॉयज को ऊपर उठा लिया और इसने इसको पटक के रख दिया यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि FY03H ने डब्ल्यूएल टॉयज को हरा दिया है भाई, एक सेकंड के अंदर हरा के रख दिया यार, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है FY03H ने काफी आसानी से डब्ल्यूएल टॉयज को हरा दिया है। कोई बात नहीं, चलो गाइस अभी इसका वाटर टेस्ट मैं आपको करके बता देता हूँ, देखते हैं वाटर में से किस तरह से चल पाती है। अभी तक तो भाई काफी तगड़े तरीके से चल रही है, देख सकते हो इसको मैंने ऑलमोस्ट पानी के अंदर डुबो दिया था, पानी के अंदर भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है यार। अभी डब्ल्यूएल टॉयज को टेस्ट करके देखते हैं गाइस ये यहां से कितनी तेजी से निकल पाती है। ये भी कार देखो ऑलमोस्ट पानी के अंदर डूब चुकी है, पीछे बड़े व्हील्स होने के कारण इसको मेरे को लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहां से निकलने में, पर ऑलमोस्ट इसके भी मैंने जैसे ही फुल पावर दे दिया है कार देखो यार ये भी बड़ी तेजी से पानी के अंदर से निकल चुकी है। दोनों ही कार जो है वाटर के अंदर काफी आराम से चल सकती है। My dear friends, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको FY03H पसंद है या फिर WL Toys 12427 पसंद है या फिर Spider-Man RC कार पसंद है, नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी का। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट, सबसे पहला नाम आ जाता है फरहान, प्रेमकांत, रुस्तम, दर्श, कुशल, दीपक, जिया, मुस्तफा, अरमान, अनय, समाधान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।